दुनिया में मशहूर तिरुपति मंदिर को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। आरोप है कि मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की फैट का इस्तेमाल किया गया। मामले को लेकर सियासी बवाल भी देखने को खूब मिल रहा है। मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें पता चला है कि पिछली सरकार ने घी की जगह घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू को दूषित कर दिया था। अब हमें पता चला गया है तो हम शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के नमूने जब जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो की लैब में भेजे गए तो नमूनों में मिलावट की बात सामने आई है। विशेष रूप से मछली के तेल और जानवरों की फैट के इस्तेमाल की बात सामने आई। इस वीडियो में बात करेंगे कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद की 300 साल पुरानी परंपरा क्या है और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। साथ ही जानेंगे कि प्रसादम को कैसे तैयार किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पहले बात करेंगे कैसे बनता है मंदिर का प्रसाद। तिरुपति मंदिर के प्रसादम को कैसे तैयार किया जाता है, इसकी बात करें तो तिरुपति मंदिर का प्रसाद दित्तम नामक विशेष तरीके से बनाया जाता है। दित्तम वह सूची है जिसमें प्रसाद बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और उसका अनुपात तय किया जाता है। अब तक दित्तम में केवल 6 बार बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में लड्डू बनाने के लिए शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, इलायची, काजू और शुद्ध घी का प्रयोग होता है। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुरानी किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के रोज करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रसाद है जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। अगली बात करेंगे लड्डू के प्रकार की। तिरुपति मंदिर में कई प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। प्रोक्तम लड्डू यह 60 से 70 ग्राम का होता है और इसे नियमित रूप से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है। अस्थानम लड्डू विशेष त्योहारों पर बनाया जाता है और इसका वजन 750 ग्राम तक का होता है। इसमें अधिक मात्रा में काजू, बादाम और केसर को मिलाया जाता है। कल्याणोत्सव लड्डू यह विशेष भक्तों को दिया जाता है और इसकी भी काफ़ी मांग रहती है। अगली जो बात करेंगे वो है 300 साल पुरानी प्रसाद की परंपरा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने साल 1803 में बूंदी को प्रसाद के रूप में बांटना शुरू किया था, लेकिन 1940 में इस परंपरा को बदलकर लड्डू की शुरुआत की गई। साल 1950 में TDD ने प्रसाद बनाने के लिए सामग्री की मात्रा तय की और 2001 में आखिरी बार दित्तम में बदलाव किया गया। लड्डू की गुणवत्ता पर 4 दशक से है विवाद। ऐसा पहली बार नहीं है जब लड्डू की क्वालिटी को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। करीब 4 दशक पहले भी ऐसा ही एक विवाद देखने को मिला था। अमर उजाला ने इसको लेकर एक रिपोर्ट में बताया है कि 4 दशक पहले 8 सितंबर 1985 को तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू अब वैज्ञानिक पद्धति से बनाए जाएंगे। इस शीर्षक के हवाले से अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि तिरुपति के लड्डू की गुणवत्ता पर विवाद खड़ा होने के बाद फैसला लिया गया कि अब इन्हें केंद्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान की देखरेख में बनाया जाएगा। संस्थान लड्डुओं को तैयार कराने में 1979 से मदद कर रहा था, लेकिन यह पहला मौका था जब संस्थान को इनकी गुणवत्ता परखने का भी निर्देश दिया गया था। बताया जाता है कि तब मीडिया में छपी खबरों को लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला था। विधानसभा में लड्डुओं के बनाने में प्रयोग किए जाने वाले घी को लेकर भी काफ़ी बहस हुई थी। हालांकि मंदिर ने 18 कर्मचारियों को बाद में काम से हटा दिया था। इसके बाद कई बार लड्डुओं और घी को लेकर विवाद होता रहा है और एक बार फिर यह विवाद नए रूप में सबके सामने है। बहरहाल TDP ने यह आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। उधर आरोपों पर YSR कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है। बहरहाल कोर्ट 25 सितंबर को मामले को लेकर सुनवाई करेगा। देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल आप इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।